कुछ भी नहीं किया उसने, बब्बर शेर ने किया, हर तरफ ही चहल पहल हर तरफ। अच्छा जब बब्बर शेर जब आया लाहौर में, अल्लाह की तरफ से ही फिजा नूरानी फिजा फैल गई, एक सुकून सा आया। पार्टी के चेयरमैन यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं और विजिट भी करेंगे तो नहीं, नहीं 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 कुछ भी नहीं करेंगे। बिलावल साहब को वोट दे रहे हैं बब्बर शेर, क्या वजह? मजा क्या मियां साहब जो कर सकते हैं वो ये तो नहीं ना कर सकते। पहले भी तो तीन दफा आए, क्या कर लिया? बहुत कुछ किया उन्होंने, इमरान खान की तरह चाहिए। उसने नाच गाने से अलावा कुछ किया तो बताएं। बिलावल के बारे में बताएं। बिलावल के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हम ना कहते हैं क्योंकि वोट बब्बर शेर का ही है। अगर कोई पार्टी से आता है उनकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, और आपसे आके मुलाकात करते हैं, आप लोगों को मुतमिन करते हैं कि इलाके के लिए काम करेंगे, फिर भी नहीं है? नहीं आप मुतमिन कर रहे, कुछ भी नहीं कर सकते वो, मुतमिन हमें कुछ भी नहीं कर सकते। बिलावल ये देखे पहले इनसे पूछे, 16 साल हो गए मोहतरमा शहीद बेनजीर को कि ये लोग खा रहे हैं, इनके घर वाले पैसे ले रहे हैं, कह रहे हैं जी मोहतरमा के लिए हम ये कुर्बानियाँ देंगे, ये अभी लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये आगे कि इनके क्या कोई साथ देगा? ये तीर के पैसे खाते हैं, ये 16 साल हो गए हैं, फिर कहते हैं ये हमें बब्बर शेर है। पैसे खाते हैं आप लोग? कोई बंदा नहीं करेगा। ये पैसे देने वाली क्या बात है? ये बेनजीर इनको सपोर्ट के नाम पे ये पैसे ले रहे हैं, ठीक है? ये खुद अपनी बीबियों को पैसे लेने के लिए भेजते हैं लोगों के पास, ठीक है? मैं रेडी वाला हूँ, मुझे कहते हैं, मैं भी रेडी लगाता हूँ, ये भी रेडी लगाता है, इससे पूछे इसकी रेडी उठा के लेते भी मेरी मित्र करते हैं यार, रेडी चला के लाओ। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। मैं बात करूँ, मैं सब्जी भेज दू, ये केलो भी रेडी है, इसके भी कोई उठा के ले जाएगा नशे टोन वाला, ये मुझे कहेंगे, मुझे कहेंगे ये लोग। हमारी रेडी पकड़ी जाएगी ना, हमारा ओपन चैलेंज है, हमें कोई पीपल पार्टी वाला, कोई पीटी वाला, पीटीआई वाला ना छिड़वा के दे, हम खुद छिड़वा लेंगे, ठीक है? हमारे में पावर है, कल मिंदे कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली दफा कल मिंदे कर रहे थे, हमारी क्या रेडी छिड़वा दो मेरी, ये अभी ये मुकर है मीडिया दे टीवी पे, मेरी क्या है पर टीवी पे बात कर रहे हैं, पैसे दिए जाते हैं, पैसे खाए जाते हैं, क्या बातें हो रही हैं? मैं बताता हूँ, देखें अब इस तरह के हमें फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, जो हकीकत है, ना कि एलिगेशन वगैरह पे। एलिगेशन तो 1947 के बाद से अब तक टिल द डेट लग रहे हैं, कोई लगा रहा है, कोई प्रूव कर रहा है, कहीं पे नहीं होगा, वट एवर जो भी है, उस चीज़ को छोड़ दें। 9,72,000 का अगर फिगर हमारे पास मौजूद है NA-127 का, हमें देखना चाहिए। लास्ट टाइम मोहतरमा शाइस्ता परवेज मलिक थी, जिनकी ना कोई पोलिटिकल स्ट्रगल है, ना कोई यहाँ पे इस हल्के में कोई कैंपेन है प्रॉपर। अगर यहाँ पे खड़े लोग मुझे कह दें कि वो एक हफ्ता भी उनको मिलते ही रही हैं, या वो खुद हमारे दरमियान मौजूद रही हैं, या उन्होंने इतवार बाजार हमारी सहूलियत के लिए आए, देखिए हम लोग मिडिल पर्सन हैं, ठीक है? के लिए, हल्के आप के लिए मुझे बता दें, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट में मौजूद है कोई मेगा प्रोजेक्ट जो उन्होंने हमारे साथ, इसलिए एक आम शख्स की आवाज बनने के लिए हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है ना, इवन के मेरा तो तमाम पाकिस्तानियों को पैगाम है कि आपको वोट कास्ट करने का मकसद पता होना चाहिए, आपने लीडर को वोट कास्ट करना है, आप ये देखिए कि आपके हल्के से कौन कंटेस्ट कर रहा है, और आया उसने आपके लिए कोई काम भी करना है या नहीं करना है। अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो मोहतरमा, अगर वो कामयाब तरीन कैंडिडेट थी, विन किया था उन्होंने, ये हमारी हमारी बड़ी बैड लक है। देखिए मैं आपको, आप मेरे साथ ये कैमरा ले चलें ऐसे के ऐसे ही, ये 127 है, मैं आपको दत्ता पिंड दिखाता हूँ, मैं आपको टाउनशिप की बैक साइड दिखाता हूँ, इवन के नवाज शरीफ मॉडल टाउन जहाँ पे वो रहता है उसकी बैक साइड, उसका हमसाया आर ब्लॉक तल्ला ब्लॉक, वहाँ पे सारी टूटी सड़कें, गंदे गटर उबलते हुए पानी के, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम, और सबसे बड़ी चीज़ देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान मिनोरिटी ने भी बनाया, सरदारों ने भी, सिखों ने भी, मुस्लिम्स ने भी, मिनोरिटी के लिए इवन के यहाँ पे कब्रिस्तान तक मौजूद नहीं है। अगर उनकी डेथ हो जाए वो बेचारे 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पैदल ले के कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर वो दफनाने अपने प्यारों को जाते हैं, इस तरह की यहाँ पर खवारी करते हैं। सिंध के भाई हैं, ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं सिंध में, मैंने आपको बताया, देखिए मैं आपको थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ,
मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। आपको आप वोट दे रहे हैं? मैं किसी की हिमायत करता नहीं हूँ। मैं देखो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पाकिस्तानी शायरी हूँ। पार्टी का चेयरमैन खुद यहाँ पे कंटेस्ट कर रहा है। पार्टी देखें, पार्टी का चेयरमैन कंटेस्ट कर रहा है अगर तो वो अच्छा है। उम्मीद है आप? मैं उम्मीद देखिए मैंने हमेशा स्टडी की बेस पे दी है। उन्होंने अगर सिंध की बात करें तो थर कोल जिसमें नेशनल ग्रिड आपकी सारी की सारी बिजली ऐड की जा रही है वो आपके सामने मौजूद है ऑन द ग्राउंड। इस तरह नहीं है कि हवा में है या कोई बैनर फ्लैक्सिस है। इसके अलावा NICVD बाकी पूरे पाकिस्तान एक शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया और पूरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल वर्ल्ड में वो वेला मचाया हुआ आपने, ठीक है। अगर आप वहाँ पे टाइम लेने जाएंगे आपको 2.5 मिनट इवन तो वो केस पकड़ेंगे नहीं अगर आप सेकंड स्टेज पे है। सिंध पे मैं चैलेंज करता हूँ ऑन द रिकॉर्ड, ये बात करता हूँ कि सिंध के जो NICVD हॉस्पिटल हैं वहाँ पे बलूचिस्तान इंटरनेशनल अमेरिका के इवन के प्रूफ केस वहाँ पे वो इलाज मुआवजे के लिए आए हैं और लीवर ट्रांसप्लांट के भी हॉस्पिटल्स वहाँ पे मौजूद है। बाकी रह गई स्टडी की बात, पंजाब में स्टडी किस तरह की है वो आपके सामने है। उनके जो मनपसंद लोग हैं वो सारे के सारे पास किए जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह DSP DCO मनपसंद DCO लगा दिए जाते हैं और उन्हीं से आगे काम लिया जाता है। कैसा निज़ाम चाहते हैं आप? मैं ये निज़ाम चाहता हूँ कि जिसमें एक मिडिल क्लास पर्सन की जब तक हमारे हाई फाइव इक्वालिटी देखें, इक्वालिटी मेरे बाप दादा परदादा 1947 से चाह रहे हैं उसी की बेस पे पाकिस्तान बना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह भी हमें ये कहे और पीपल्स पार्टी के जो थे बानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब वो भी ये बात कर दिए। चले उन्होंने कोई 50% डिलीवर भी कर दिया नवासे से, अगर नवासे ने सिंध में डिलीवर किया है देन हम इसीलिए तो उनको लाहौर में बिलावल साहब कंटेस्ट करेंगे तो क्या नहीं जीत पाएंगे? नहीं नहीं जीतेंगे जरूर, लेकिन मैं बिलावल साहब को एक वाज़ह पैगाम देना चाहता हूं कि जीत तभी मुमकिन है जब तक आप हम जैसे लोगों में इन भाइयों के जैसे लोगों में आके बैठेंगे नहीं, जिस तरह के आपके नाना बैठे थे गली मोहल्ला थड़ी। लास्ट में पीपल्स पार्टी को अगर देखो इनके साबिक वज़ीर आज़म थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ, वो गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिरे जब 133 के इलेक्शन कंटेस्ट हुए थे उसका रिजल्ट आपने देखा 32,000 वोट पड़े हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो ये सारे के सारे लोग मायूस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्योंकि इनकी लीडरशिप ने इनसे रابطہ नहीं किया। मैं वोट नहीं आपका बिलावल साहब को वोट कास्ट कर रहे हैं? मेरा वोट PTI को इमरान खान को। अच्छा अच्छा ये बात कर रहे थे कि अभी 133 में जब बाय इलेक्शन हुआ है तो 32,000 वोट उन्हें पड़ा है, लेकिन वो 32,000 किस तरह पड़ा है? वो ये पर वोट इन्होंने 2,000 3,000 रुपया दे के और हलफ लिया है। बिल्कुल हलफ लिया है उन्होंने, कुरान पाक पे हलफ लिया है। और मैं अभी कई लोग आपको दिखा सकता हूँ जो जाके लेके आए हैं पैसे और हलफ दे के आए हैं, ठीक है 133 पे फिर जाके इन्हें 32,000 वोट समथिंग पड़ा है, ठीक है। और अभी 17 जुलाई को जो हाँ दो हज़ार बिल्कुल इसी तरह है, दो हज़ार और यहाँ से अब 127 है। ये भैया बताइए किसने हलफ लिया आपसे? किसने हलफ लिया? आप कह रहे हैं ना कि हलफ लिया, किसने लिया? नहीं नहीं आप बात कर रहे हैं कुरान पाक की, आपने बात की है माशाल्लाह मुस्लिम है, आप मैं भी मुस्लिम हूँ। एक मिनट मेरी बात सुने, आप ये बताएं आपको किसने कहा है कुरान पाक पे हाथ रख के उन्होंने 2,000 रुपए दिए? सबूत लाए ना, सबूत लाए। आप तो अपने घर की सियासत कर रहे हो ना भाई, अपने घर की सियासत नहीं करते।